अगर हम धूम्रपान या सिगरेट पीने की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि धूम्रपान हमारी सेहत के लिए कितना खतरनाक होता है और कितना खतरनाक या घातक हो सकता है, यह हम जानते भी हैं। इससे हमारे फेफड़ों में कैंसर और हृदय की बीमारी होती है और हम जानते हैं कि धूम्रपान या सिगरेट पीने से हमें ऐसे रोग लग सकते हैं जिसका इलाज मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हो जाता है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को धूम्रपान से दूर नहीं रख सकते हैं। सिगरेट पीने के नुकसान जानते हुए भी इसको छोड़ने की जो जहमत होती है वो बहुत कम लोग उठाते हैं, लेकिन अगर आप भी सिगरेट पीना या धूम्रपान के शौकीन हैं तो इसको रोक लें, यानी कि इसे बंद कर दें। धूम्रपान करने से लाखों लोग कैंसर के शिकार हो रहे हैं और ना जाने आए दिन कितने ही लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन जब हम धूम्रपान या किसी प्रकार के नशे की लत लगती है तो हम उसे आसानी से नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक हैबिचुअल प्रोसेस होता है जो इतनी जल्दी नहीं छूटता है। यह तभी संभव होता है जब हम अपना मन बना लेते हैं, अन्यथा हम इससे कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते हैं। धूम्रपान करने से हमारे शरीर को बहुत सी परेशानियां होती हैं या कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, और इससे हमें कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं या किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले धूम्रपान से होने वाला जो सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है वो है कैंसर का रोग। धूम्रपान करने या सिगरेट पीने से इसका सीधा असर हमारे फेफड़ों पर पड़ता है, जिसके कारण हमारे फेफड़ों में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे लोगों की अक्सर मृत्यु हो जाती है। और हमारे देश में, यानी कि हमारे भारत देश में 20% लोग आए साल ऐसे होते हैं जिनकी कैंसर की वजह से मृत्यु होती है। दूसरा कारण होता है त्वचा रोग का। जब हम धूम्रपान करते हैं तो इसका असर हमारी सेहत पर इतना पड़ता है कि धूम्रपान करने से हमारी त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, जिसके कारण हम उम्र से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं। इससे हमारे होठों के साथ साथ हमारा चेहरा भी काला पड़ जाता है और हमारे रक्त के प्रवाह में समस्या भी पैदा हो जाती है। इतना ही नहीं, दांतों और मसूड़ों में भी हानि होती है। जब हम धूम्रपान करते हैं तो इससे हमारे दांतों और मसूड़ों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। यह भी सिगरेट पीने के नुकसान में प्रत्यक्ष रूप में गिना जा सकता है। धूम्रपान करने से हमारे दांतों और मसूड़ों में खून निकलना शुरू हो जाता है और हमारे दांत भी काले होने लगते हैं। इसके साथ साथ हमारे दांतों में कमजोरी आने लगती है और मसूड़ों में जलन और सूजन जैसी कई तरीके की परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। इतना ही नहीं, पाचन तंत्र पर तो यह इतना प्रभाव डालता है कि हमारा पाचन तंत्र बहुत ही गहरे तरीके से प्रभावित होता है। इससे हमारे पेट में कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जिससे हमारी आंतों पर, यानी कि इंटेस्टाइन्स पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, और धूम्रपान करने से हमें सांस लेने में भी काफ़ी तकलीफ होने लगती है। आँखों की बीमारी, यानी कि धूम्रपान या सिगरेट पीने से हमारी आँखों को कई तरीके की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, और इनमें सबसे कॉमन जो है वह मोतियाबिंद और अंधापन होना, यह कम भी दिखाई देने लगता है आपको। आँखों की बीमारी के साथ साथ मानसिक प्रभाव इतना होता है कि लोगों को सिगरेट पीने की आदत तो होती ही है, फिर किसी अन्य नशे में अगर वो डूब जाए, यानी कि किसी और नशे की तरफ चलने लगे, तो इसका असर उसके दिमाग पर पड़ता है, जिसकी वजह से उसका जो मानसिक संतुलन होता है वो बिगड़ने लगता है। अब ये तो वो बीमारियां थी जो होती ही होती हैं। अब कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिनके बारे में बहुत कम देखने को मिलता है, बट बीमारी तो बीमारी होती है। धूम्रपान या सिगरेट पीने के नुकसान यही खत्म नहीं होते हैं। इससे सीने में दर्द होना, सांस लेने में कठिनाई होना, टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस बीमारियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ उसके दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है, वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाता है। पसीना आना भी इसमें एक अन्य कारण या रोग हो सकता है। अब पसीना आना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि पसीने के थ्रू आपकी जो बॉडी की गंदगी होती है वो निकलने लगती है, लेकिन अगर ये एक्सेसिव मात्रा में हो, यानी कि जितना आपका पसीना निकलता है उससे ज़्यादा मात्रा में निकलने लगे, तो यह भी घातक होता है, यानी कि पूरा पानी आपके शरीर का पसीने के थ्रू निकल रहा है। अब ये तो हुई बात कि कौन कौन सी बीमारियाँ होती है, पर यह भी ज़रूरी है कि किस तरीके से आप इसे छोड़ सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे, यानी कि आयुर्वेदिक तरीकों के बारे में या घरेलू तरीकों के बारे में, जिसकी वजह से आपको काफ़ी मदद मिलेगी सिगरेट यानी कि स्मोकिंग की लत को छोड़ने के लिए। अगर आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन करने से पहले, यानी कि 15 मिनट पहले, एक गिलास पानी पिए। इससे होगा क्या कि इससे जो मेटाबॉलिक रेट है वो आपका काबू में रहेगा, और इसके अलावा दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर पीते रहना चाहिए, क्योंकि पानी भी शरीर से विख्यात पदार्थों को बाहर निकालने में काफ़ी मदद करता है। अगर आप शहद खाते हैं तो इससे भी काफ़ी आपको फ़ायदा मिल सकता है, यानी कि शहद में विटामिन्स, एंजाइम्स और
प्रोटीन होते हैं जो कि आपको आराम देते हैं और स्मोकिंग की आदत को छुड़वाने में भी मदद करते हैं। और हमेशा शुद्ध यानी कि एक जो प्योर शहद होता है, प्योर हनी होता है, अगर वही आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा और जल्दी मिलेगा। मूली यानी कि घिसी हुई मूली अगर आप खाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। या जो चेन स्मोकर्स होते हैं या इनकी बुरी लत आपको स्मोकिंग की लग चुकी है तो आप अगर मूली खाते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। मुलेठी खाएं, जब भी आप स्मोकिंग का मन करें या आपको स्मोकिंग की तलब लगी हो तो आप मुलेठी की दातुन कर ले या मुलेठी को चबा ले, इससे भी आपको स्मोकिंग की इच्छा जो है वो कम होने लगेगी और आपका जो पेट है वो भी ठीक रहेगा। लाल मिर्च जो है वो श्वसन प्रणाली को मजबूत बनाने का काम करती है या स्मोकिंग की चाहत को भी खत्म करती है। इस मसाले को अपने खाने में प्रयोग करने के साथ साथ एक गिलास पानी में चुटकी भरकर अगर आप इसे खाते हैं यानी कि पानी को पीते हैं लाल मिर्च थोड़ी सी डालकर, तो भी आपको तुरंत राहत मिलेगी और आप काफ़ी हद तक स्मोकिंग की जो हैबिचुअल आपकी हैबिट होगी वो आप दूर रह पाएंगे। और सबसे शक्तिशाली अगर कोई हर्ब है जो आपकी मदद कर ही कर सकती है अगर आप इन चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं यानी कि स्मोकिंग की लत को पूरे तरीके से छोड़ना चाहते हैं, तो आप जिनसेंग का यूज कर सकते हैं। यह एक शक्तिशाली हर्ब है जो शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ा देती है। जब आप स्मोकिंग छोड़ रहे होते हैं तो आपका जो शरीर होता है वो तनाव और आलस्य की चपेट में आ जाता है, तो जिनसेंग क्या करता है, ये आपको मदद करता है उन सभी चीज़ों से निपटने के लिए। तो यार आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट उठा सकें और स्मोकिंग की लत को छोड़ सकें। और नए आए हैं हमारे चैनल पर तो आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिल सकें।